हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेलवे क्लासेस। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि अभी रेलवे एलपी एंड टेक्नीशियन की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल हो रही है, चल रही है सभी बोर्ड में। तो फिर फ्रेंड्स मेडिकल, आप सबको पता है कि रेलवे एलपी में मेडिकल A1 स्टैंडर्ड की होती है। सो A1 स्टैंडर्ड में जो विज़न टेस्ट हो रहा है, आई टेस्ट जो हो रहा है 6x6 का, तो ये एक नया अपडेट मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि 6x6 भी कहीं कहीं दिखाया जा रहा है और कहीं कहीं 6x5 भी दिखाया जा रहा है। जो 6x5 है वो 6x6 से भी छोटा होता है। तो सो फ्रेंड्स आप लोग नर्वस मत होइएगा, 6x6 और 6x5 में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप लोग अवेयर रहे वहाँ जाने से पहले। सो जिनका अभी बहुत टाइम है वो थोड़ा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, थोड़ा देख भी सकते हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने आप से। यू नो 20 फीट या 6 मीटर की डिस्टेंस में एक चार्ट पेपर लगा कर मैं आज इस वीडियो में वही आपको शेयर करना चाहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान नहीं रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में आपको उन सारे बातों को आपको क्लियर करूँगा जो आपको बहुत ध्यान रखना है। फ्रेंड्स एक चीज़ आपको पता होगा कि विज़न टेस्ट जो आई चार्ट होता है उसमें अल्फ़ाबेट्स भी शो होती है, या तो ए बी आपको पता होगा, या तो फिर अभी एक और मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि अभी वो लैंडलॉर्ड्स चार्ट भी शो हो रही है, जो कि सी किस फेस पे कटा हुआ, किस फेस पे कटा हुआ सी, राइट लेफ्ट। लाइक मैं आपको बता देता हूँ, लाइक जैसे कि सी किस फेस में कटा हुआ, लाइक ऐसा भी हो सकता है ये राइट साइड कटा हुआ है, ये लेफ्ट साइड कटा हुआ है, ये डाउन है, ये अप है। सो फ्रेंड्स ये जितने भी आप देख रहे हो ये सी फेस कटा हुआ, और ये सी फेस इतना इजी नहीं है फ्रेंड्स आपको बताना, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उससे आप अवेयर रहते हैं, लेकिन जो सी फेस है वो जो कटा हुआ रहता है वो काफ़ी कम दिखेगा आपको। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी कम दिखेगा, काफ़ी कम दिखेगा। आई मीन टू से जैसे कि ये, जैसे कि सी में बना रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए सी, ये जो पोर्शन है काफ़ी कम गैप दिखेगा इसमें, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। 6x6 जिसका विज़न भी है उसके लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि रिकॉग्नाइज़ करना कि किस फेस की तरफ वो कटा हुआ, या तो अप डाउन राइट या लेफ्ट। जैसे कि इस सी में देख सकते हैं कि राइट फेस कटा हुआ है सी का। सो फ्रेंड्स इसको यू नो एडप्ट करने के लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि अमेज़न पे जाइएगा, amazon.in पे, एंड वहाँ पर आपको ये सी फेस कटिंग वाली चार्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आप उस चार्ट पेपर को ले सकते हैं, और जिनका भी टाइम है उस चीज़ को अडेप्ट कर सकते हैं। 6 मीटर की डिस्टेंस पर रख के आप इजली इस सी वाले जो फेस है इसको आप अडेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर नॉर्मल विजन टेस्ट में भी अल्फ़ाबेट्स को ईजिली रीड किया जा सकता है, लेकिन सी कटिंग फेस जो सी वाली है ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। सो फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है, मैं बताना चाहता हूँ, एंड जितने भी RRBs हो रही है वहाँ सब में इस चार्ट पेपर को यूज़ किया जा रहा है, बिकॉज इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज। सो फ्रेंड्स आप समझदार हो, आपके पास टाइम है, आप यूटिलाइज़ कीजिए इसे। चार्ट पेपर ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 100 रुपीज़ में आ जाएगी। सो फ्रेंड्स मंगवा लीजिए जितना जल्दी हो सके, एंड उसे अडेप्ट करने की कोशिश कीजिए। एंड जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो सी फेस वाली चार्ट पेपर है, सी फेस यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको अमेज़न में इजीली मिल जाएगी चार्ट पेपर। ओके ये अमेज़न पे आपको इजीली चार्ट पेपर मिल जाएगी फ्रेंड्स, तो आप इजीली इसको बाय कीजिए और इसे यूज़ कीजिए। देख सकते हैं यहाँ पर जो सी है कितना छोटा कटा हुआ है, तो आपको जो वहाँ पर शो होगी वो 6x6 मतलब ये लाइन, 6x5 भी शो हो सकता है। कई RRBs में देखा जा रहा है कि 6x5 भी पूछा जा रहा है, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड गया हुआ है मेडिकल पे, तो उसने बताया
कि 6/5 भी उसे पढ़वा गया था। सो फ्रेंड 6/5 काफ़ी छोटा होता है, तो इसको काफ़ी अच्छे से आपको रीड करना है, नर्वस नहीं होना है, क्योंकि ये काफ़ी माइनर मिस्टेक्स हो सकती है आपको। तो आप एक बार ज़रूर, मेरा यही सजेशन आपको कि एक बार ज़रूर आप देख के जाइए, सो दैट आपको वहाँ जाके इतना नर्वस फील ना हो कि 6/6 बोला गया था एंड 6/5 भी पढ़वाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स एक बार आप दोनों चीज़ों को अच्छे से देख के जाइएगा, आपके लिए ही हेल्पफुल है। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कीजिए, सो दैट जिनका भी मेडिकल अभी आने वाला बाकी है, सो दैट वो देखे, उनको यदि हेल्प मिल रहा है इस वीडियो से तो फिर वो ज़रूर इस चार्ट पेपर को खरीदे। एंड ज़्यादा नहीं, बस 100 रुपीज़ कॉस्ट है, अमेजन में ईज़िली आपको अवेलेबल मिल जाएगी, विद इन 4 to 5 days आपको इस चार्ट पेपर मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स आप ले सकते हैं एंड 6 मीटर की डिस्टेंस में अपने घर में टांग के आप इजीली इसको रीड आउट कर सकते हैं। डेली एटलीस्ट 3 to 4 times रीड करेंगे तो आप एक्सटम्ड हो जाएंगे इस चार्ट पेपर से, सो दैट वहाँ मेडिकल में आपको कोई नर्वस फील ना हो। सो फ्रेंड्स मेरा इतना ही बोलना था, सो दैट हर कैंडिडेट का कुछ ना कुछ हेल्प हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आने वाले वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, एंड नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी टैप कीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।